वेलकम टू चमन चेस एकेडमी। आज हम एक ऐसे प्लेयर का मैच देखेंगे जिन्होंने चेस की दुनिया में इतिहास रच दिया, द मोस्ट डेयरिंग अटैकिंग निडर प्लेयर मिखेल ताल की। यह मैच ताल ने मार्क पासमन के खिलाफ 1953 में खेला। इस मैच के बाद ही ताल पॉपुलर हुए थे। ताल का वन ऑफ द अर्लीस्ट, सबसे पहले ये गेम था, और इस मैच के बाद ही ताल का चेस की दुनिया में नाम हुआ। यहाँ ताल ना सबसे पहले ना e4 खेलते हैं, ब्लैक करता है सिसिलियन डिफेंस c5, ताल करते हैं नाइट टू f3, ब्लैक करता है d6 नेट जॉब वेरिएशन। ताल यहाँ एक अटैकिंग मूव खेलते हैं, वो होता है d4। आज सब लोग ये खेलते हैं लेकिन 1953 में नहीं, ताल ने उस समय ये मूव खेला और वो ब्लैक किल करता है, वाइट भी किल करता है, और ब्लैक करते हैं मार्क पासमन करते हैं नाइट टू f6, वाइट करते हैं ताल करते हैं। इस पीस को बचाने के लिए ताल क्या करते हैं, नाइट टू c3, देन ब्लैक एक अच्छा मूव करता है a6। a6 इसलिए क्योंकि ना b5 वाले ब्लॉक में वाइट को आने से बचाने के लिए। अब देखिए यहाँ ताल एक बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर के सामने एक बहुत अटैकिंग मूव खेलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शक्ति निडरता होनी चाहिए उस मूव को खेलने के लिए ही, वो होता है f4। यहाँ किंग साइड भी ओपन हो गया ताल का, लेकिन उन्होंने ये मूव खेला। ब्लैक यहाँ करता है e5, ताल किल ना करते हुए नाइट को पीछे करते हैं नाइट टू f3, ब्लैक यहाँ करता है नाइट टू d7 एक चेन बनाते हुए, और फिर ताल यहाँ करते हैं बिशप टू d3। तो ताल ना सिंपली ना स्पेस के लिए, पोजीशन के लिए खेलते थे, पीसेस के लिए नहीं खेलते थे, तो यही उनमें ख़ास बात थी। और इसमें भी हमने देखा कि यहाँ स्पेस ताल को बहुत अच्छा मिल चुका था। ब्लैक करता है बिशप टू e7, ताल कैसल करते हैं, ब्लैक भी कैसल करता है, और ताल एक अच्छा मूव खेलते हैं एडवांस में h1, किंग h1, क्योंकि यहाँ ना क्वीन b6 से डबल अटैक की संभावना थी। ये क्वीन b6 अगर जैसे ब्लैक बिशप हटा तो क्वीन b6 से डबल अटैक हो सकता था चेक लगा के। तो अब ब्लैक भी यहाँ एक अटैकिंग मूव खेलता है, वो होता है b5। फर्दर ब्लैक के पीस को मूव करने से बचने के लिए ताल करते हैं a3, क्वीन टू c7। ताल पीस किल करते हैं, ब्लैक भी पॉन से किल करता है d into e5, और ताल यहाँ एक बहुत अच्छा मूव खेलते हैं, वो होता है नाइट टू h4। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कि नाइट टू e4 को अगर ये किल कर दें और बिशप किल कर देगा फिर ब्लैक यहाँ एक पीस अप हो जाएगा, एक पॉन अप हो जाएगा, बट नहीं, यहाँ एक पॉन अप नहीं होगा क्योंकि यहाँ इसके बाद मूव आएगी क्वीन टू h5। क्वीन टू h5 यहाँ डबल अटैक करेगा, या तो होगा चेकमेट या तो आपको बिशप देना होगा। ब्लैक यहाँ करता है c5, थोड़ा सेंटर पे ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए। ताल यहाँ एक अच्छा मूव करते हैं नाइट पे डबल अटैक बिशप टू g5, क्वीन को सपोर्ट देना होगा नाइट को डबल अटैक से बचाने के लिए। नाइट टू f5 यहाँ ब्लैक बिशप पे अटैक के लिए। तो यहाँ ब्लैक बिशप को अगर अटैक हो गया तो यहाँ ना किंग साइड ना ब्लैक का ओपन हो सकता है, तो यहाँ किल कर दिया किसने, पासमन ने, और वाइट ने भी किल कर दिया अपने रुक से। नाइट टू d7, ताल किल करते हैं, ब्लैक भी किल करता है, और अब क्वीन पे अटैक, क्वीन टू d6, यहाँ क्वीन को भी अटैक में लाया जाता है। पासमन थोड़ा डिफेंसिव मूव खेलते हैं लेकिन वो किल नहीं कर सकते क्योंकि किंग की लाइन ओपन हो जाएगी, है ना, तो यहाँ चेक लगेगा। तो यहाँ रुक टू f1 करते हैं ताल और अटैक बढ़ाते हुए, एक और डिफेंसिव मूव, थोड़ा सा फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करी तो उन्होंने किया f6, ताल और अटैक में जाते हैं, वो होता है h4। अटैक अब इससे ज़्यादा सहन नहीं हो सकता था ब्लैक से, कॉमन सेंस है, क्योंकि अब ना वो ना ब्लैक वाइट ना पुश करता जा रहा है और ना कुछ ही टाइम में ना वो चेकमेट हो सकता है ब्लैक, तो इसलिए ब्लैक करता है किंग टू h8। वाइट का रुक खतरे में, तो वाइट करता है रुक टू f3। यहाँ अच्छी मूव आती है, वो होती है f5। f5 मूव इसलिए क्योंकि ना अब ना ये पीस किल नहीं कर सकता है, है ना, आप अगर ई से एफ वाले पीस f5 किल करोगे तो वो नाइट खतरे में, नाइट किल हो जाएगा, लेकिन सेक्रीफाइस किंग ऐसे ही नहीं कहलाते।
इसलिए सेक्रीफाइस किंग और अटैकिंग किंग कहलाते थे। ताल उन्होंने किल कर दिया, ब्लैक ने नाइट को किल किया और उन्होंने एक और पीस किल किया। ब्लैक ने पहले रुक को किल किया और फिर लगाया गया चेक। चेक के लिए फोर्स मूव था यहाँ जाने के लिए, यहाँ ताल ने इनको किल नहीं किया। एक और सेक्रीफाइस गजब का मूव वो होता है बिशप टू एच सेवन किया। जैसे ही किंग ने बिशप टू एच सेवन को किल करना होता फोर्स मूव में, नहीं तो दो तीन मूव में चेकमेट हो जाएगा। तो किंग ने किल किया। तो अब आप देखिए ना, ताल यहाँ कितने दो नाइट पीछे हैं, ताल यहाँ दो नाइट पीछे हैं। हम लोग क्या करते हैं सेक्रीफाइस के बाद ना, ज़्यादा पीसेस को संभाल नहीं पाते हैं। ज़्यादा पीसेस हैं मतलब सामने अपोनेंट के पास एक पीस अप है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको सहन ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें ये मैच से सीखना चाहिए कैसे ताल आराम से दो दो एक्स्ट्रा नाइट को सह रहे थे, क्योंकि इनका जी सेवन पॉन तो था लेकिन अब आप देखिए कि जी एट पे कितने सारे डिफेंडर्स थे। किंग था, नाइट भी आ जाएगा, रुक था, क्वीन था, तो कितने सारे डिफेंडर्स थे। लेकिन ताल ने कैसे इसको मुमकिन किया, देखिए यहाँ किया रुक टू एफ थ्री, पहले ताल ने किल किया, बहुत ही अच्छा मूव किया ब्लैक ने नाइट टू ई फोर, इसलिए क्योंकि जैसे ही वाइट ना आगे चेक लगाएगा किंग के पास क्या मूव होगी, किंग तो जी एट पे तो करेगा नहीं क्योंकि चेकमेट हो जाएगा एक मूव में। तो यहाँ किंग ना जी सेवन को किल करेगा और फिर उसके बाद ना रुक से जी थ्री से चेक नहीं लगा सकता क्योंकि नाइट आ गया है। तो नाइट का काम यही था, तो एक बहुत ही अच्छी मूव थी। तो यहाँ ताल एक ऐसी मूव करते हैं जिसमें आपके लिए बहुत बहुत बड़ी लर्निंग है, वो होती है एच फाइव। तुम लोग क्या करते हो ना कि जैसे ही ना पीस डाउन हो जाते हो या फिर सेक्रीफाइस कर देते हो ना, फिर ना जल्दी मेट, फास्ट मेट की सोचते हो कि जल्दी मेट हो जाए, जल्दी किल करने की सोचते हो, है ना। और बिल्कुल हड़बड़ी में करते हो मूव्स कि ना चेक लगे, जल्दी चेक लगे, चेक। यहाँ ताल ने चेक की नहीं सोची, यहाँ ताल ने ना आराम से ना पीसेस बनाने की, फ्यूचर में एक अच्छा अटैक बनाने की सोची। तो ऐसे हड़बड़ी में नहीं खेला ताल ने। यहाँ ब्लैक ने बहुत अच्छा मूव किया, वो होता है नाइट टू एफ सिक्स। ये मूव बहुत काम का मूव है क्योंकि ये ना नाइट को भी चेन में ले आया, रुक की एफ वाली लाइन भी ब्लॉक की और यहाँ जी एट वाले पॉन को भी बढ़ने से रोक देगा। तो यहाँ ताल चेक लगाते हैं, किंग पीछे जाता है, ताल एच सिक्स करते हैं एक मूव आगे, है ना। तो अब देखिए अटैक बढ़ रहा है लेकिन ताल ना एच सेवन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ ये कौन बैठा है अपना, नाइट। नाइट ही वाला बहुत अच्छी मूव करी किसने, पासवान ने। अब क्या होता है कि पासवान एक बहुत अच्छा मूव करते हैं, वो होता है रुक टू ए सेवन। रुक टू ए सेवन इसलिए कि क्वीन से अब ई एट से चेक नहीं लगेगा, यहाँ नाइट बैठा है। ताल ना पहले फिर से एक डेवलपमेंट मूव करते हैं, वो करते हैं एच टू। एच टू इसलिए करते हैं क्योंकि ना यहाँ ना फर्दर ना नाइट से जी थ्री से या फिर एफ टू से चेक ना लगे। तो यहाँ ताल पहले थोड़ा डिफेंस का सोचते हैं। ब्लैक करता है रुक टू ई सेवन, आपको आगे चल के पता चलेगा कितना अच्छा मूव था ब्लैक का। यहाँ रुक टू एच थ्री करते हैं कौन, ताल, अटैक बढ़ाते हुए। यहाँ एक अच्छा मूव आता है नाइट टू एच सेवन। तो आपको अब समझ में आया होगा कि रुक क्यों किया, रुक इसलिए ही किया था क्योंकि यहाँ अगर ब्लैक को पहले से ही पता था कि ना ये नाइट ना उधर जाने वाला है, ये नाइट ना अगले मूव में एच सेवन में रखने वाला हूँ, तो एच सेवन में उसको पता था रखने वाला हूँ, तो क्वीन यहाँ ई एट पर चेकमेट कर लेती एक ही मूव में। तो पहले रुक से एक मूव पहले उन्होंने सेव कर लिया ई एट ब्लॉक को कि ई एट करेगा तो मैं क्वीन को मार दूंगा। यहाँ ताल ने तुरंत ही अटैक स्विच कर दिया, वो किया रुक टू डी थ्री। क्वीन जाता है पीछे, क्वीन और कहीं नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ ना इसको क्या बोलते हैं नाइट को भी बचाना था और दूसरा बात कि ना ये ना चेकमेट हो सकता था लास्ट ब्लॉक पे जाने के लिए, एट्थ लाइन पे अगर रुक चला जाता। तो ताल ने एक अच्छी मूव करी, वीडियो रोक के सोचो, वो होती है क्वीन टू ई फोर। हाँ, जैसे ही ब्लैक ने क्वीन टू ई फोर किल किया, ताल ने यहाँ लगाया चेक और कोई रास्ता नहीं था, किंग यहाँ गया और यहाँ वाइट की बन गई क्वीन, ताल क्वीन बना लिया ताल ने। किंग टू एफ सिक्स
चेक, किंग टू एफ फाइव, चेक, किंग टू एफ फोर, पॉन से चेक, कोई रास्ता नहीं है किंग के पास, फोर्स्ड मूव है। अब देखिए किंग टू ई थ्री, वीडियो रोक के सोचिए क्या मूव करी होगी ताल ने। सही सोचा ताल ने, किया है रुक डी थ्री, क्योंकि यहाँ अपना जैसे ही राजा कहीं पीछे ही जाएगा तो क्वीन किल हो जाएगी ब्लैक की, तो यहाँ अपना क्वीन को इसको मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही ताल ने इस क्वीन को किल किया और यहाँ ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि आगे जाके चेकमेट भी हो जाता और यहाँ दो तीन मूव में फॉक लग जाता रुक का। और इस मैच के बाद बस मैं एक लाइन बोलूँगा कि सब कुछ खोने के बावजूद आप में कुछ करने की हिम्मत है और साहस है, तो समझो आपने कुछ नहीं खोया है, कुछ नहीं खोया है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।